अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मौसम बहुत अच्छा था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाने जाए और आप लोगों को दिखाएं कि आज लाहौर का मौसम बहुत ही प्यारा है। इससे पहले व्लॉग शुरू हो, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि ये वाला मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आज हम जा रहे हैं मेट्रो कैश एंड कैरी, हम यहाँ शॉपिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे कि यहाँ पर चीज़ों के जो रेट्स हैं वो बाहर बाज़ार से लोकल एरिया से कितना डिफरेंस आता है उनका। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन सी चीज़ कितने की है। नीचे एरिया को देखें तो ये भी और कुछ कहीं ना कहीं, या ऊपर जी तो पाकिस्तान था उससे बाइक इसकी निकली थी, आदमी अपनी बाइक लेके गया। बाटा की शॉप है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। एसी बहुत अच्छा है, बाहर भी ऐसे मौसम अच्छा था लेकिन एसी ज़्यादा अंदर अच्छा था। आप इधर देख लें, यहाँ शॉप है, ये तकरीबन 3 साल से इस लड़की की तस्वीर लगी हुई है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये कपड़े भी हैं यहाँ पे। आपको यहाँ से कुछ भी शॉप करना हो आप आएँ और आके ख़ुद ही ख़रीदें, प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से देखें। हमने नीचे से कुछ नहीं लेना था तो कोई रिव्यू नहीं किया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए और आपने ये नीचे कमेंट्स में लिखा कि नीचे वाले एरियाज़ को भी रिव्यू करें, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं नीचे वाली शॉप्स का भी रिव्यू दूँगी। अब हम ऊपर जा रहे हैं बग़ैर सीढ़ियों वाले एक्सेलरेटर से और अब हम पहुंच गए हैं मेट्रो। मेट्रो में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, कोई बात नहीं। अब हम ऊपर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलें। अच्छा जी, अब हम ऊपर आ गए हैं और पहले हमने सोचा कि हम ट्रॉली लें, फिर हमने कहा पहले हम व्लॉग बना लेते हैं और व्लॉग बनाने के बाद ही ट्रॉली लेंगे और चीज़ें खरीदेंगे। सोच रहे थे फिर हमने कहा नहीं, पहले भूख लग गई है, पहले खा लें। फिर हमने नहीं ली ट्रॉली, ये मेरी बहन ने कोशिश की बट उसकी नहीं निकली। चलो अभी पहले हम खाना खाएंगे। ये जी कोल्ड ड्रिंक्स आपको इतना बता दें, यहाँ के कैफ़े से जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं वो एक जो इनका ग्लास है वो 120 रुपीज़ का है, ठीक है। और जबकि बाहर से जो कोक पड़ेगी वो आपको 70 रुपीज़ की हाफ लीटर पड़ेगी। ये सैंडविचेस थे, टिक्का सैंडविचेस, ये बहुत मज़े के थे। तो जब भी आप कभी कैफ़े में खाना खाएँ, खाना बहुत फ्रेश है, बोतल आप अपनी बाहर से ही ख़रीदें क्योंकि यहाँ की बोतल आपको जितने की पड़ेगी उतने में आप दो बंदे बोतल पी सकते हैं। तो 120 रुपये से अच्छा है 70 रुपये क्योंकि पेट्रोल। हेलो गाइस, अब हम बेकरी सेक्शन में हैं और ये इनकी बेकरी की चीज़ें बहुत फ्रेश होती हैं इनके मुताबिक, लेकिन यहाँ कोई प्राइस नहीं मेंशन कि ये कितने का। यहाँ प्राइस मेंशन है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्लेन रस 159 रुपीज़। और यहाँ पर प्राइस चेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि इनके प्राइस मैच नहीं करते जितने के होते होते, यहाँ पर प्राइस नहीं लिखे। और ये इनके हैं केक रस, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये हमने खाए हुए, ये आप ले सकते हैं, ठीक है, 669 रुपीज़। ट्रॉली छोड़ गया, ये इनका ब्रेड वाला सेक्शन है। ये इनकी मीठी डबल रोटी है, यानी कि ऐसी ब्रेड है जिसके ऊपर आपको कोकोनट और साथ में अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये यहाँ किसी ने बैग भी छोड़ दिया हुआ है, ऐसे ही करते हैं लोग कहाँ से चीज़ें उठाते हैं कहाँ पर। इनके पास ब्राउन ब्रेड भी है, प्लीज़ इनकी ब्राउन ब्रेड के बारे में मैं आपसे ये कहूँगी कि मत खरीद दें क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फ्रेश होती है, इतनी ज़्यादा फ्रेश होती है कि एक भी पीस आपको पूरा साबित नहीं मिलेगा। ये इनकी प्लेन ब्रेड, मिल्की ब्रेड, ये थोड़ी सस्ती है बाहर के ब्रेड के निस्बत, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए है कि आप ये ख़रीद सकते हैं। यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स हैं इनके। ये सेक्शन जो था पिछला सेक्शन, ये मेट्रो का अपना सेक्शन था, यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपको जो से ब्रांड की ब्रेड चाहिए वो आपको यहाँ से मिल सकती है। आगे शवारमा ब्रेड और बंस, शीरमाल, बर्गर्स, रस, डिफरेंट टाइप के, ये ब्राउन रस भी हैं यहाँ पे, आपको ब्राउन रस भी मिलेंगे, जो मैं इतना डाइट पे हैं वो ब्राउन रस भी ले सकते हैं। ये है बाकर खानी, ये फ्रेश हो तो बेहतर है, ना भी हो तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ये मैंने खाई थी यहाँ की। केक रस, ये आपको यहाँ से, ये कि किसी ब्रांड के बनी वालों के हैं लेकिन ये जो मेट्रो के अपने हैं वो ज़्यादा मज़े के और ज़्यादा फ्रेश होते हैं, वो आप ज़्यादा लें वो अच्छे आपको दे। ऑल पर्स की क्रीम, यहाँ पर अब ये इनका डेयरी सेक्शन है, अब हम इनका डेयरी सेक्शन कवर करने वाले हैं। इस तरफ आपको मिलेंगे इनके मिल्क की प्राइस यहाँ लिखी हुई है, आपसे बार बार कहेंगे जो यहाँ प्राइस लिखी हुई है इसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये मैच नहीं करते, क्योंकि ये जब से मेट्रो बना हुआ है मेरे ख्याल से ये तब से ही इनके प्राइस है, जबकि प्राइस बदलते रहते हैं डेली वेजेस पे। अब है जी इनके एग्स का सेक्शन, यहाँ से आपको पैक वाले एग्स भी मिल सकते हैं और इसके अलावा इनका दूसरा सेक्शन जो एग्स लाएंगे वहाँ से आप काउंट करके भी अलग से सेपरेट ले सकते हैं। ये भी जी यहाँ ओमेगा बॉक्स एग्स के बॉक्स भी हैं, अगर आपको ये बाय करना है और आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेके तो आप यहाँ से ये भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह का योगर्ट मिल जाएगा, लस्सी मिल जाएगी, ठीक
गया फ्लेवर्ड लस्सी, जैसे नेस्ले की जीरा लस्सी मिल जाएगी, पुदीना वाला मिल जाएगा, नीचे है योगर्ट्स मिल जाएगी, मोजरेला चीज़। चीज़ के बारे में कहूँगी बेस्टेस्ट चीज़ आपको यहाँ पे हर तरह की, मोजरेला हो, एडम्स हो, हैप्पी काउ हो, सिंगल्स हो, हर तरह का हम ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला पैकेट भी बहुत मज़े का। पिंक का चॉकलेट वाला सेक्शन है यहाँ पे, आपको हर तरह का चॉकलेट मिल जाएगा, आप यहाँ से बॉक्स भी बाय कर सकते हैं ना जी। यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे नगेट्स, कबाब, चामी कबाब, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे कुछ ब्रांड्स भी हैं और इनके कुछ लोकल ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं। आप ऊपर से प्राइस देख लें, ब्रांड्स ने अपने टैग साथ में लगाए होते हैं, आप वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सपायर डेट्स भी चेक कर सकते हैं। मेट्रो का ये सेक्शन है फर्नीचर का, पर इतना हम आपको बता दें कि हमारी वीडियो देख के इस पे ना रहिएगा कि ये फर्नीचर आपको दोबारा मिलेगा, क्योंकि हमने ज़िंदगी में सेम फर्नीचर दोबारा नहीं देखा मेट्रो में। हम लोग कम से कम यहाँ 50 से 60 बार आ चुके हैं। ये जो आपको अगर इनमें से कोई चीज़ पसंद आए और आप हमारा वीडियो देख के कोशिश करेंगे मैं खरीदने जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। अगर ये आप हमारी वीडियो से पहले पहले ये रहा यहाँ रहा तो आपकी किस्मत, एक बार ये बिक गया तो ये नया ही लाते होते, ये सेम नहीं रखते, क्योंकि कभी यहाँ साइकिल्स लगी होती हैं, कभी यहाँ जिम का सामान। ये इनका पोर्शन इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं। आज इन्होंने यहाँ सोफे लगा दिए तो सोफे लगा दिए हैं, ये इन्होंने बड़ा अच्छा छतरी वाला बना दिया, ये चाहते हैं ये सिर्फ टेम्परेरी। थोड़े दिन पहले यहाँ ट्रेडमिल लगी हुई थी, डंबल्स लगे हुए थे, यहाँ आज साइकिल वाला पोर्शन भी है, तो डंबल जब थोड़े रह गए होंगे तो उन्होंने कहा चलो यहाँ कुर्सी टेबल लगा दे, तो ये वाला पोर्शन इनको। जिम शिम का सामान लेना हो आपने, ट्रेडमिल 84,000 की, यहाँ से आप कम नहीं करा सकते, जो लिखा हुआ है बस आपने वो ही कराना है। 84 है तो 84,999, आप ये नहीं कह सकते कि 65 की दे दें। ये इनका सर्फ वाला और तुम्हारा पोर्शन, ये सही ब्यूटी जोन है, इसको कहते हैं ब्यूटी जोन, जो औरतें घरों में जाके कपड़े धोएं और इसको इस्तेमाल करें इस पोर्शन, ठीक है सर्फ। चलेंगे अब हम बच्चों की वैरायटी दिखा देते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे, घर पीछे जो आगे डालें उनको बहुत शोर मचा देंगे जी। ये बच्चों की वैरायटी है, यहाँ से आपको ये इंतहाई हल्की वाली तलवार मिलेगी जिससे किसी को नहीं आ पा जी। ये चार्ट पेपर है, ये फोल्ड हो गए हैं तो आपके किसी काम का नहीं रहना फोल्ड होने के बाद। ऊपर से इसकी प्राइस है 45 रुपीज़, जबकि आप ये बाय किसी भी शॉप से लेंगे आपको 30 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ बड़ी अच्छी हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। कलर पेंसिल्स, अब ये कलर पेंसिल्स कितने की मेंशन देखें, 429 रुपीज़ के सिर्फ ये कलर्स। स्टिकी नोट्स, ये भी नोट्स हैं, आप ये चीज़ें भी यहाँ से ले सकते हैं। क्लिप्स भी मिलेंगी आपको यहाँ से, फाइल्स, यहाँ आपको फाइल्स का प्राइस बता देना, ये 50 रुपीज़ की लिखा है, जबकि 15 रुपये की फाइल आराम से बाजार से आपको मिल जाएगी। ये 20 रुपये का फोल्डर होता है ना, 30 रुपीज़ का होगा मैक्सिमम, यहाँ 70 रुपीज़ मैच है, 70 रुपीज़ का आपको ये फोल्डर मिलेगा। तो ऐसी चीज़ आपसे ये कहेंगे कि आप बाहर से ले लें, ये देखें ये वैसे तो कोई इतनी यूज़ करता नहीं, ये भी 70 रुपीज़ की ईच है। क्लिप बोर्ड ये देखें, ये वो क्लिप बोर्ड हैं जो बच्चे 100 रुपये का ले आते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है 189 रुपीज़। ये वाला क्लिप बोर्ड तो लिखा हुआ है 370, ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का, और इसका प्राइस इसकी तो छोड़ गई है, आई थिंक सो किसी ब्रांड का है, 330 रुपीज़ का। ये बच्चों के स्कूल की चीज़ें बनाई हैं, इन्होंने स्कूल के साथ टीचर भी बनाई हुई है, ठीक है, जिसके बच्चे ही नहीं है यहाँ पर, वो फैमिली बुक है। जी ये एक्वा प्रिंट की शर्ट 1300 रुपये की है, पता नहीं ये कौन से लोग हैं जिनको 1300 रुपये ये समझ आता है, ये गलत यार है।
मेट्रो में सबसे एक्सपेंसिव मेट्रो का प्लास्टिक है, सिंपल बटर की प्लास्टिक की हाउस वेयर है 600 रुपीज। बेहतर आपको मिल सकती है, ये बच्चों की चीज़ें यहाँ ब्रांडेड हैं और सस्ती हैं। यहाँ लिखा हुआ जी 152, और मुझे नहीं पता मेरे बच्चे नहीं हैं, ये 152 रुपीस का ठीक रहेगा कि नहीं आप हमें कमेंट्स में बताएं। जूतियाँ यहाँ ये थोड़े औरतों वाला हाथ है, ये थोड़ा मर्दों वाला हाथ। और पिलोज भी हैं, पिलोज का प्राइस मैम ये पिलो का प्राइस यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 799 पिलोज, 800 रुपीज का एक पिलो। कलर्स अच्छे हैं यहाँ बेडशीट्स, अब क्वालिटी कैसी है ये तो वही बताएगा जो ये इसको लेते हैं। ब्लैंकेट्स भी हैं, ये क्या ब्रश, ब्रश हैंगर, प्लास्टिक मैंने आपको कहा था इनका एक्सपेंसिव है। अब मैं जैसे आपको बताऊं यहाँ स्टूल का प्राइस है, सिंपल एक सिंगल स्टूल मैं आपको उतार के दिखाती हूँ, ये सिंगल स्टूल कितने का है 1400 रुपये का ये सिंगल स्टूल है। मेट्रो में प्लास्टिक बहुत एक्सपेंसिव है। डस्टबिन कितने की है, डस्टबिन है जी 2600 रुपीज की, टू मच एक्सपेंसिव आई थिंक सो, ये सेट है, सेट नहीं है। और कुछ प्राइस ओनली फॉर वन पीस 1800 की ये है और 1100 की ये है। देखें ये प्लास्टिक है और ये स्टील है, स्टील की 1100 1200 और ये प्लास्टिक की, ये तो पता नहीं 400 रुपये की है क्योंकि ये आपको मार्क जुकरबर्ग से मिलाएगी फेसबुक वाली, इसलिए इन्होंने ना इसको लिख दिया है 550 की। ये ले अलीसन से फ्री में आप ये ले सकते हैं, अलीसन के पापा की शॉप है शॉपर की, हम यहाँ उनका लिंक डाल देंगे उनकी शॉप का, यहाँ आपको मिलेंगे ये 300-350 रुपये। ये हमारी अम्मी लाती हैं 200 रुपीज़ की, वो इससे बड़ी होती है और वो कहती हैं देखो कितना एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ये सेट भी अगर आप लगाएं तो ये 450 रुपीज़ और ये 250 रुपीज़ सेट है, 700 रुपीज़ का ये सेट है। चलो आगे ये देखें, मैंने कहा ना मेट्रो का कितना एक्सपेंसिव है, ये एक लॉली सेट है, ये आइसक्रीम हमारा आइसक्रीम के लिए, और ये है 600 रुपीज़ का, देखो टू मच एक्सपेंसिव। अब मैं आपको ये चेक कराती हूँ, ये एक ऐसा पोशन है जो बहुत मलता रहा बट बहुत नहीं है, 300 रुपये का ये दो डब्बे, दो लंच बॉक्स 900 रुपये का, ये डब्बा 900 रुपये का खाली एक डब्बा, 700 रुपये का ये मिर्चे रखने का, 700 रुपये का 700, ये अब भी एक लंच बॉक्स है बहुत प्यारा, ये पता नहीं अब 700 का है, अब ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है गोंदल फूड कंटेनर, वो यही है, इस लंच बॉक्स का प्राइस नहीं लिखा हुआ और कोई टैग भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 700 का ये बॉक्स है कि ये कंटेनर है, ये इसकी प्राइस नहीं है। यहाँ पे 300 प्राइस किस चीज़ के लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं जी फ्रेश एयर मीडियम थ्री बॉक्स, ये थ्री बॉक्स 300 रुपीज़ की है, 700 का ये है, तो ये इसका प्राइस कहाँ है, ये 150 रुपीज़ का ये सिंगल एक सिंगल पीस, ये एक बाउल 150 रुपीज़,
टू प्रे। ये प्यारे हैं, बट ये इसका प्राइस भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है स्पून होल्डर। अच्छा आप ये देखें, यहाँ की आप ये क्या लिखा हुआ है, स्पून होल्डर्स, ये स्पून होल्डर्स हैं, ठीक है। ये श्रेडर्स हैं, लिखा हुआ है इसका प्राइस 250 रुपीज़ का, एक श्रेडर है 250 रुपीज़ का एक श्रेडर। ये क्या जी, ये लिखा हुआ है हॉट पॉट मैक्सिमम वन, यहाँ हॉट पॉट है ही नहीं, चेक करें। अब यहाँ से लोग ये ले सकते हैं, ये हॉट पॉट ही है, हॉट पॉट में इतना सा ये स्टेनर्स 180 रुपीज, ये भी स्टेनर। ये क्या है, फेस वो मैं किचन वालों को पता होगा क्योंकि हम किचन में जाते हैं, हमको नहीं पता। ये गिर जाए तो वापस लटका दें, ये ऐसे लटका देते हैं, आपसे गिर सकती है चीज़ें, कोई बात नहीं, किचन की चीज़ें तो आपसे गिर गिर जाती हैं, हम कभी किचन में इतना ज़्यादा काम नहीं करते। ये देखिए ये कप केक 250 रुपीज, कप केक पेपर 600 की ट्रे, मैंने ली थी 250 का लिया था, मुशैन ने लेके दिया था, कहाँ से लिया था बड़ा लंदन से लिया था, ये कितने का है, मैं भी 200 का। ये पिज़्ज़ा प्लेट है, कितने की है, ये मैंने एक बार अपनी प्लेट ली थी 150 रुपीज़ की, और ये तो ये है कोई 5 फुट शायद, ये अच्छा है नॉन स्टिक है इसलिए। ग्लासेस टी कप्स, किसी ने चिप्स खा के रैपर फेंक दिया, वेरी बैड। कप्स 451 रुपीज़ की, कप ठीक है, इतने से इतने के बाहर से भी मिल जाते, ये सही है इसकी प्राइस। आओ इधर, ये अच्छा वाला पेपर होगा ना, और क्या लेना जी। ये बोतल आपको यहाँ से सस्ती मिल सकती है, 115 रुपये, 5 रुपये आपके बच सकते हैं, ये यहाँ पे 5 रुपये छुटे गए। तो अगर आपने ये लेना है तो आपको नुकसान है, तो आप सिंगल सिंगल वाली अलग अलग ले लें। जी अब आ गए हैं हम उस सेक्शन में जहाँ पे होता है बिल, और कुछ लोगों को आता है हार्ट अटैक। यहाँ पे आपके लिए एक ज़रूरी बात कि अपना बिल क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। और अब हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, चलो आ जाओ।